नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले में एक कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है, हम लोगों का दरवाजा खुला है। जो फ्री शिक्षा चाहता है, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहते हैं, मुफ्त बिजली चाहते हैं, उनका हम लोग स्वागत करते हैं। आजमगढ़ जिले के महुआ मुरारपुर गाँव में एक कार्यक्रम में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2022 में हमारी मोर्चा सरकार बनाएगी, हम लोग समय का इंतजार करें। ओवैसी से हाथ मिलाने के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा कल तक हमें कमजोर समझती थी, अब मजबूत समझ रही है, ये हमारी उपलब्धि है। भाजपा ओवैसी से हाथ मिलाने पर चिंतित नहीं है, बल्कि इसलिए चिंतित है कि अब वह हिंदू मुसलमान कैसे करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी मोर्चा फ्री में शिक्षा चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है, रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है, घरेलू बिजली बिल माफ करने के लिए हम 10 लोग एक विचारधारा के हैं। भाजपा नहीं चाहती है कि प्रदेश में सामान्य व अनिवार्य शिक्षा हो, इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। गरीबों को फ्री में इलाज मिले, यह वो लोग नहीं चाहते हैं। घरेलू बिजली 5 साल फ्री दिया जाए, यह वो लोग नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग उन्हीं के वंशज से गुलदस्ता ले रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं। जफर इकबाल को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा, बिहार में शाहनवाज हुसैन को MLC बना के मंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18% मुसलमान व 18% राजभर है, टोटल 36% और 35% पर सरकार बनी है, इसी से भाजपा परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, सरफुद्दीन आजमी। यार क्या करें, कल तक तो हमको कमजोर समझते थे, कल तक हमको कमजोर समझते थे, अब तो कम से कम वो हमको मजबूत समझ रहे हैं ना, ये तो हमारी उपलब्धि है ना, कल तक तो हमको कमजोर समझते थे। अच्छा सर, भाजपा का कहना है कि एक जो हिंदू विरोधी हैं उनके साथ आपने हाथ मिलाया है, इसको देखिए भाजपा इसके लिए चिंतित नहीं है, भाजपा इसके लिए चिंतित है अब हम हिंदू मुसलमान कैसे कर सकते हैं। नौ नौ लोग, अगर उनकी भाषा में कहा जाए तो 9 हिंदू हैं, 1 मुसलमान है, तो अब इस मोर्चे में हिंदू मुसलमान कैसे होगा। यहाँ ये मोर्चा 10 लोग, शिक्षा के सवाल पर लड़ाई हो रही है, हम फ्री में शिक्षा चाहते हैं, हम स्वास्थ्य चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, हम घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने के लिए 10 लोग एक विचारधारा के हैं। वो लोग नहीं चाहते कि प्रदेश में समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा हो, इस नाते वो विरोध करते हैं। वो गरीबों को फ्री में इलाज मिले, ये उस नाते वो नहीं चाहते। घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ़ हो, फ्री में उनको बिजली दिया जाए, घरेलू बिजली, ये वो नहीं चाहते, इस नाते वो विरोध करते हैं। और वो अपने गृहबान में झांक के नहीं देखते। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊं, आप वीडियो देखेंगे तो आश्चर्य होगा, उन्हीं के वंशज से वो गुलदस्ता ले रहे हैं, वही उनको मिठाई खिला रहे हैं। और तो मज़े की बात, अभी जफर इकबाल को राज्यसभा भेजा BJP ने ही, उत्तर प्रदेश, अभी बिहार में शाहनवाज हुसैन को MLC बना करके मंत्री बनाया, अभी दिल्ली में 14 में हमने देखा इसी शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्रिमंडल में रखा, दोनों मुसलमान, शादी हिंदू की बेटी से, वो रोटी बेटी का संबंध करते हैं, हम अगर वोट का संबंध कर रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है। चिंता इस बात की है, चिंता उत्तर प्रदेश में 18% अकेले मुसलमान है और 18% राजभर है, 18 दूनी 36, 35 पे सरकार, इसी से है सब परेशान।